गुड इवनिंग। आई एम नॉट अ बुक वॉर्म बट हेयर एंड देयर कभी कभार पढ़ लेता हूँ। एंड हेयर आर द थ्री बुक्स जो आपको अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। और नंबर थ्री, आई हैव दिस बुक कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच। काफी पॉपुलर बुक है, आप में से कई लोग जानते होंगे। मैंने हाल ही में इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। एंड इट डजेंट मैटर कि आप बिजनेस एंथुजियास्ट हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जॉब वाले हो, आपको एटलीस्ट एक बार तो ये किताब जो है पढ़नी ही चाहिए। ये बुक कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जिसमें कुछ लुक्रेटिव सी बातें लिखी हुई हैं। इस बुक के जो ऑथर है नेपोलियन हिल, उन्होंने 500 से ज्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लिए थे, उनसे बातचीत की थी, उसके बाद इस बुक को जो है कंपाइल किया था। 1937 में पहली बार इस बुक को पब्लिश किया गया था। एंड इस बुक में प्रैक्टिकलिटी से लेकर के रियलिटी, हर एस्पेक्ट, माइंडसेट से लेकर मोटिवेशन, हर एस्पेक्ट को टच किया गया है। इस बुक को अगर मैं छोटे में समराइज करूं तो किसी भी काम को करने के सिर्फ चार स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रिच एंड सक्सेसफुल बनना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिच एंड सक्सेसफुल का मतलब आप क्या समझते हो, आपके लिए रिच एंड सक्सेसफुल का मतलब क्या है। क्या आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, क्या आपको एक सक्सेसफुल AI सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या आपको एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है, या फिर आपको दुनिया ट्रैवल करनी है। फिगर आउट करो कि रिच एंड सक्सेसफुल का मतलब आपके लिए क्या है। सेकंड, आप उस काम को कब तक करना चाहते हो, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 2050 तक, तो एक टाइम फ्रेम फिगर आउट करो। थर्ड, अब उस काम को आप करोगे कैसे। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी दुनिया की किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट, चाहे बड़ी कंट्री हो चाहे छोटी कंट्री हो, प्लान लॉन्च करती है एंड बजट निकालती है कि हमें पूरे साल में क्या क्या करना है। उसमें वो एक मिशन सेट करते हैं कि हमें अल्टीमेटली तो ये सारी चीजें अचीव करनी है, बट अगले 1 साल में यहाँ पे फोकस करना है और अगले 1 महीने में ये सारी चीजें अचीव करनी है। सिमिलरली, कि आपके पास कोई प्लान है, आप कैसे उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे जो आपने सेट किया है। कि आपके पास कोई परफेक्टली अच्छे से रिटन प्लान है कि 1 साल में ऐसे करूंगा, अगले 2 साल में ऐसे करूंगा, 5 साल में ऐसे करूंगा, एंड अभी 1 महीने में ये करूंगा। प्लान फिगर आउट करने के बाद अब आपके पास 3 चीजें हो गई। आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको ये पता हो गया कि आपको कब तक करना है, और ये भी पता हो गया कि कैसे करना है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज, आप उस काम को इतना करो कि वो आपके डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाए। वो आप बिल्कुल ऑब्सेस हो जाओ उस काम के पीछे, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंडल्ज कर लो। अब उसके बगैर आप रह नहीं सकते, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिल्कुल उसके पीछे लग जाओ। ये तभी होगा जब आप जेन्युइनली सक्सेसफुल बनना चाहते हो एंड उस काम को सच में अचीव करना चाहते हो, और आपके चाहत में कोई मिलावट नहीं है। अगर आपकी चाहत में कोई मिलावट है तो फिर करप्ट हो जाओगे, इधर उधर भटक जाओगे। तो 2 बंदे हैं और दोनों को ही अच्छी खूबसूरत बॉडी चाहिए, जिसमें से एक बंदा जो है वो एक्सरसाइज तब करता है जब उसका मन करता है, एंड दूसरा जो बंदा है वो एक्सरसाइज हर रोज करता है चाहे उसका मन करे या ना करे। किसकी बॉडी अच्छी बनेगी? जाहिर सी बात है, जो हर रोज बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, हर रोज एक्सरसाइज कर रहा है चाहे उसका मन करे या ना करे, राइट? चाहते दोनों ही थे, बट पहले बंदे की चाहत में मिलावट हो गया उसके मन का, वो अपने मन के हिसाब से करने लगा। तो सेम उसी तरीके से आपकी चाहत में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। द सेकंड बुक इज रीवर्क। ये बुक थोड़ी सी प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से लिखी गई है, एंड इस बुक की खास बात ये है कि इसका हर एक पेज जो है वो एक लेसन है। इवन इफ आपको बुक्स नहीं पसंद, आप पूरी बुक पढ़ लोगे और आपको बोर्डम फील नहीं होगा। 270 पेजेस हैं इस बुक में एंड उतने ही लेसन्स हैं। तो बस रात को सोने से पहले एक लेसन पढ़ लिया, एक पेज का, बस काफी। प्लस इस बुक में कोई भी मंबो जंबो नहीं लिखा हुआ, कोई भी जार्गनिश बातें नहीं की हुई, बहुत ही प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से इस बुक को लिखा हुआ है, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से। सो इट डजंट मैटर कि आप किस फील्ड में इनकॉर्पोरेटेड हो, बिजनेस, जॉब्स और व्हाटएवर, आपको सीखना होगा कि आप प्रोडक्टिव कैसे बने, बेस्ट लोगों को अपनी टीम में कैसे ऐड करें एंड कंपटीशन को कैसे बीट करें। बिकॉज मानो या ना मानो, आपके आसपास के लोग आपके कॉम्पिटिशन ही तो हैं। बस हर फील्ड में सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में डिफरेंस एक स्टैंडर्ड, एक क्लास का ही तो होता है। सक्सेसफुल लोगों के बीच में बस अच्छी चीजों में कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा अच्छे से सोसाइटी में सर्विसेज ऑफर कर सकता है, कौन ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता है, कौन ज्यादा फास्ट डिलीवर कर सकता है, कौन ज्यादा अच्छी चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, एंड इन सब के बाद सक्सेसफुल होने के बाद में कौन ज्यादा चैरिटी कर सकता है, सोसाइटी को इंस्पायर कर सकता है। वाइल बेवकूफों का कॉम्पिटिशन भी उन्हीं के जैसा होता है, कौन ज्यादा महंगे कपड़े पहन सकता है, कौन ज्यादा महंगी गाड़ी ले सकता है, कौन ज्यादा महंगे फोन ले सकता है। इट्स सो अमेजिंग, जब आप अपनी ऑब्लिगेशन पे फोकस करते हो तो लग्जरी अपने आप ही पूरी होने लगती है। सो फोकस ऑन बिल्डिंग समथिंग वैल्यूएबल एंड डूइंग द राइट थिंग एंड इट विल गेट यू ऑल द सक्सेस एंड लग्जरी वांट इन लाइफ। तो इस बुक को जरूर पढ़ना, रीवर्क नाम है इसका। द फर्स्ट वन ऑन माय लिस्ट इज अ होली स्क्रिप्चर। इट डजंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आपके बिलीव्स क्या है, या फिर आपका फेथ किस पर है। हर फेथ की अपनी एक सबसे बड़ी होली स्क्रिप्चर होती है एंड आई थिंक वो हर किसी को पढ़नी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट लिविंग लग्जरी बट डाइंग इन पीस। देखो, जब आप अपने चारों तरफ
नजर दौड़ाते हो तो हर कोई इस दुनिया में कंट्रोल चाहता है। बैंक्स गवर्नमेंट्स पे कंट्रोल चाहती है, गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन पे कंट्रोल चाहती है, कंपनीज मार्केट पे कंट्रोल चाहती है, बॉसेस अपने एम्प्लॉइज पे कंट्रोल चाहते हैं, लोग अपने सिचुएशंस पे अपनी लाइफ पे कंट्रोल चाहते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं कंट्रोल चाहता है। एंड ट्रस्ट मी, कंट्रोल ना ही कभी किसी इंसान के पास था ना ही कभी किसी इंसान के पास होगा। प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो सकता है आपको बहुत सक्सेस मिल जाए, बहुत रिच बन जाओ, बहुत सब कुछ आ जाए आपके पास, बट वो सारी चीजें एवर लास्टिंग नहीं है। हर चीज टेम्परेरी है इस दुनिया में, एंड आई कैन प्रूव इट। बड़े से बड़े एम्पायर्स आए एंड खत्म हो गए, मौर्यंस, इजिप्शियंस, पर्शियंस, रोमन्स, इवन कि ब्रिटिश भी आए और चले गए। सबको लगता था कि हम जो है हमेशा राज करेंगे, हम जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास मिलिट्री की माइट इतनी ज्यादा है कि कोई भी हमसे पंगा नहीं ले सकता। एंड आज देखो कहाँ है, कोई भी नहीं है। कहाँ है वो चंगेज खान और उसकी आर्मी जो एक तिहाई दुनिया पर राज करती थी? खत्म हो गई ना, बट हमने उन सबको देखा नहीं। बट इट डजंट मैटर, बिकॉज हमारी आंखों के सामने आज 200 साल पुरानी अमेरिकन एम्पायर खत्म होती भी हमें दिख रही है डीजेनरेसी की वजह से। हमारी आंखों के सामने चाइनीज इमर्ज हो रहे हैं, वो भी हमेशा थोड़ी ना रहेंगे। तो द क्वेश्चन इस टेम्परेरी दुनिया में परमानेंट है क्या? ये दुनिया खुद टेम्परेरी है। सो आपका गोल होना चाहिए उसे फाइंड आउट करने में जो एक्चुअली में परमानेंट है, जो असल ओनर है इन सब चीजों का, जिसके पास है सारा कंट्रोल। जैसे हेल्थ के लिए आपने एक्सरसाइज की, प्रोफेशनल वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए आपने काम किया, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी, उसी तरीके से अपने लिए अपनी होली स्क्रिप्चर पढ़ो ताकि समझ आ सके कि लाइफ की एक्चुअल मीनिंग क्या है। दैट माई फ्रेंड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देयरफॉर ही डजंट जस्ट लिव इन लग्जरी बट ऑल्सो डाई इन पीस नोइंग दैट ही इज सक्सेसफुल। And with that note, I'll see you in the next one.